अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबरें। बिहार का मिनी बाबा धाम, आइए आज हम आपको बिहार के मिनी बाबा धाम में ले चलते हैं। आपको याद होगा कि पहले झारखंड भी बिहार हुआ करता था, लेकिन अब बाबा धाम यानी देवघर झारखंड में है। लेकिन बिहार में भी एक मिनी बाबा धाम है जहां दूर दूर से कांवड़िया जल लेकर आते हैं सावन में। जी हां, बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी के धीमेश्वर मंदिर मिनी बाबा धाम के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को नए सिरे से बनाया जा रहा है और भव्य रूप दिया जा रहा है। जरा इन तस्वीर को गौर से देखिए, ये नए भव्य मंदिर की एक झलक है। बता दें कि कोसी सीमांचल के मिनी बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध बनमनखी का ऐतिहासिक काजी हृदयनगर धीमा ग्राम में अवस्थित धीमेश्वर नाथ मंदिर सरकारी खर्च से श्रावणी महोत्सव का आयोजन यहां होता है। एक माह तक चलने वाला यह श्रावणी मेला का तैयारी के साथ साथ आज उद्घाटन भी कर दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि, उप समाहर्ता मोहम्मद इमरान, SDPO हुलास कुमार, मंदिर कमेटी अध्यक्ष कमलेश्वरी प्रसाद सिंह, CEO अर्जुन कुमार विश्वास, BDO सरोज कुमार, थाना अध्यक्ष अनिल मंडल, नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी चंद्र राज प्रकाश, मनरेगा PO रविन्द्र तांती, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष विजय शाह, मंच संचालन तरुण सिंह, भाजपा नेता अमितेश सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया गया। मंदिर सजकर तैयार है और आज से श्रावणी मेला आरंभ है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन के संयुक्त आयोजन में यह कार्यक्रम संचालित हो रही है। हर साल की भांति आज चौथा साल है कि यहाँ श्रावणी मेला, कब से श्रावणी मेला लगता है और यहाँ से जो बनमनखी का जो श्रावणी महोत्सव है कि जो हम लोग शुरुआत किए थे उस समय से जो परंपरा चला रही है कि आज सावन का उद्घाटन मेला का हुआ, आज से जो है कमरिया यहाँ धीमेश्वर धाम जल लेकर के आवेंगे। मनिहारी से लेकर के बनमनखी तक का जो सफ़र है, यहाँ कमरिया लोग आते हैं सावन के महीने में और हम लोग ने वहाँ जिला प्रशासन की ओर से भी सभी तरह के कार्यक्रम का तय किया गया है। जैसे हम लोग वहाँ मनिहारी से जो लोग चलेंगे, हमने कमिश्नर साहब को पत्र दिया था कि मनिहारी से पूर्णिया और पूर्णिया से जो बनमनखी आने के रास्ते में जिसकी सुविधा हो, हम लोग सुविधा का भी ध्यान रखे हैं कि काली मंदिर आगे में पड़ता है, वहाँ भी कमरिया का ठहरने का व्यवस्था किया गया है। इसी चलते यहाँ भी सावन मेला में प्रशासन के स्तर से सारी व्यवस्था कर ली भी ली गई कि आज आप लोग देखेंगे कि आज उसका उद्घाटन हुआ। सर, बिहार सरकार के द्वारा इस बार श्रावणी मास को लेकर देखिए, इस बार कम मतलब कि 6 लाख रुपया राशि मिली है श्रावणी मेला के लिए। इसी में एक महीने का मेला है, उसी में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। हम प्रयास कर रहे थे कि कला संस्कृति विभाग से कुछ अगर कलाकार उपलब्ध हो जाता तो और आसानी होती, नहीं मिली है। लेकिन राजस्व विभाग से हम लोगों को 6 लाख रुपया जिला प्रशासन पूर्णिया को मिला है, उसी में जो है श्रावणी महोत्सव का कार्यक्रम। देखिए, कांवरिया को लेकर के हम लोग ने, हम कहा ने पहले कि कमिश्नर साहब को मैंने पत्र दिया था कि मनिहारी से लेकर के बनमनखी तक आने के बीच में जो पूर्णिया में मैं उन्होंने मुझे पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि पूर्णिया में उसका ठहरने का जो पानी का व्यवस्था है तो उन्होंने किया है। हम लोग बनमनखी में अपने स्तर से और प्रशासनिक स्तर से भी हम लोगों ने काली मंदिर जो बगल में है कुशा काली मंदिर, वहाँ हमने देखा होगा कि हमने 2 रूम पहले से बनवा रखा है और वहाँ भी हम सोच रहे हैं कि पानी उनी का व्यवस्था और ठहरने की व्यवस्था वहाँ हो जाए और वहाँ से यहाँ तक आने के लिए धीमेश्वर धाम में कांवड़िया का कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, कोई परेशानी नहीं झेलना पड़े। सारी प्रशासनिक स्तर पर सभी लोग लगे हुए हैं सभी तरह की सुविधा के साथ। बता दें कि बनमनखिया का ऐतिहासिक धीमेश्वर नाथ मंदिर में राजकीय श्रावणी महोत्सव के लिए करीबन 6 लाख रुपए आवंटित किए गए, जिसे नाकाफी भी कुछ लोगों ने कहा। श्रद्धालुओं की देख सुविधा को देखते हुए वाटरप्रूफ पंडाल, टेंट, शामियाना, तोरण द्वार और विभिन्न तरह की व्यवस्था की गई है, तो वहीं CCTV और सुरक्षा की भी तमाम व्यवस्था की गई है।
आपको बता दें कि यहाँ भीड़ को देखते हुए पानी की व्यवस्था, चलंत शौचालय, साफ सफाई की व्यवस्था, कांवड़िया पथ, NH 107, विशाल बजरंग बली मंदिर से परिसर एवं NH 107 से पोखर के पास से मंदिर परिसर, बनमनखी तक की सफाई, श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र, यातायात व्यवस्था, बैरिकेटिंग, आपात स्थिति से निपटने हेतु अग्निशमन दस्ता को भी मुस्तैद कर दिया गया है। मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। बनमनखी के विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त को कटिहार जिला के उत्तर वाहिनी गंगा मनिहारी से जलाभिषेक हेतु बनमनखी स्थित धीमेश्वर धाम मंदिर आने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा, आवाजन और जन सुविधा को मुहैया कराने की पहल करने का आग्रह किया है। वहीं आपको बता दें कि पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त से भी कांवड़िया की सुरक्षा व्यवस्था सहित तमाम जन सुविधा मुहैया कराने की आग्रह की गई है। बता दें कि इस क्षेत्र संख्या 13 के जिला परिषद संतोष सिंह ने मंच पर उन्होंने कहा, जब उग्रेश्वर नाथ के नाम से बैंक में अकाउंट है, मंदिर कमेटी उग्रेश्वर नाथ के नाम से है, लेकिन प्रचलन में धीमेश्वर नाथ दिया गया है, लेकिन काजी पंचायत के अस्तित्व को समाप्त नहीं किया जा सकता। यह मंदिर काजी पंचायत के वार्ड नंबर 11 के अंतर्गत धीमा ग्राम में आता है। इसके अस्तित्व को न ही जिला प्रशासन नकार सकता है, न ही बनमनखी प्रशासन। बिहार सरकार के गजट में भी शामिल है। इसके लिए जिला प्रशासन से आग्रह है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। बहरहाल बनमनखी का मिनी बाबा धाम सज धज कर अब कांवड़ियों के लिए तैयार है। बाबा के पास जल लेकर लोग जगह जगह से आते हैं, जलार्पण करते हैं, मन की मुरादें भी पाते हैं। यहाँ खास बात यह है कि यह बाबा धाम यानी मिनी बाबा धाम आपरूपी है और इसके बारे में कई ऐतिहासिक कथाएं भी प्रचलित हैं। उन कथाओं को देखने के लिए आप अनुभवी आंखें के खास धर्म यात्रा पर आइए और वहां इससे संबंधित कई वीडियो आपको मिल जाएंगे। अनुभवी आंखें के लिए बनमनखी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहे अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड फोटो कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।